नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विज्ञान के। दोस्तों, बिहार पुलिस 21,391 के लिए जो है कि मैं क्लास आप लोग को प्रोवाइड करा ही रहा हूं, तो आप लोग को पता तो होगा ही कि संविधान हो गया या साइंस हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इन से प्रश्न अच्छे संख्या में पूछे जाते हैं, खास करके साइंस और संविधान। तो संविधान के सारे क्वेश्चन मैं 3 से 4 वीडियो में आपको समाप्त करा दूंगा, जो कि 3 से 4 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि इस एग्जाम में आप संविधान के प्रश्न तो नहीं छोड़ने वाले हैं। उन 3 से 4 वीडियो में मैंने लगभग 200 प्लस प्रश्नों को ऐड किया है। तो आज जो है वह पहला वीडियो आपको मिलेगा, इसमें कम ही प्रश्न रहेंगे। आगे के जो 2 वीडियो होंगे उसमें लगभग 100-100 प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर की बात, इसके बाद मैं आपको साइंस के क्वेश्चंस करा दूंगा। 100-100 क्वेश्चन का 3 वीडियो मैं दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का 100-100 प्रश्न दूंगा मैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर हिंदी, तो मैं हिंदी का भी तैयार कर रहा हूं, हिंदी का भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे। संविधान सभा से प्रश्न उठते हैं, बनते हैं प्रश्न। जिस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो वहां से प्रश्न बनता है, इसलिए हमको जानना चाहिए। तो आज लगभग 30 प्लस प्रश्न है जिसको हम लोग जानेंगे। पहला सवाल हम लोग लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने निश्चित की गई थी? तो कुल जो संख्या थी वह 389 निश्चित की गई थी। कितनी? 389, जिसमें 292 थे वह ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 जो थे वह चीफ कमिश्नरी से थे, और 93 जो थे वह देशी रियासत से थे। तो तीनों याद रखिएगा, 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और जो 93 बचते हैं वह देशी रियासत के थे। सीधा प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कितना था? तो 93। चीफ कमिश्नरी का कितना था? 4। और ब्रिटिश प्रांत का कितना था? तो 292। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपको पता है कि दिल्ली में हुई थी, और पहली जो बैठक थी यह 9 दिसंबर 1946 को। कितने को? 9 दिसंबर 1946 को। अब यहां एक प्रश्न बनता है कि इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया है। 2 दिवस के बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष, यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया जाता है। तो यहां पर प्रथम की बात की जा रही है, कब हुई थी बैठक? दिल्ली में 9 दिसंबर 1946। ओके, चलिए 3 नंबर सवाल, संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य, हमने इसी क्वेश्चन में चर्चा कर लिया, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 4 नंबर सवाल, किसने संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था? ठीक ना, किसने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया, बायकॉट किया? तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान चाहिए, इसलिए इसने इसका बहिष्कार किया था कि मैं इसका बहिष्कार करता हूं, यह भी ध्यान देना है आपको। चलिए, इस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो वह हैदराबाद के, कहां के? हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, याद रखिएगा यहां से प्रश्न आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि फला समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति अगर आपसे पूछता है तो संचालन समिति बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हां, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ऐसे याद रखिएगा कि भैया संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वही संचालित कर रहे थे, तो इसलिए संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। जी हां, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति तो भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, देखिए अभी संघ संविधान समिति नेहरू जी थे, संघ शक्ति समिति भी नेहरू जी ही हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, यह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन कौन? एक राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति और संघ और संचालन समिति, संघ नहीं, संघ वाले हैं जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति नेहरू जी। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जी, तो याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति के कितने लोग थे? तो अनुसूचित जनजाति के 33 संख्या थी, सीटों की कितनी थी? 33। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वह थी 15। कितनी थी? 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 ध्यान दीजिएगा, कितनी थी? 15। चलिए, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य कब निर्वाचित हुए? इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है कि पहले जो अध्यक्ष थे अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन जो दूसरे अध्यक्ष हुए 2 दिन बाद जो स्थायी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही कब से शुरू हुई? 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिएगा, 9 को सच्चिदानंद सिन्हा बने, 11 को राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी, जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उसी से उसकी कार्यवाही शुरू हुई, उसी दिन से उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो किया गया, लेकिन इसे स्वीकृत कब किया गया? यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि भैया यह जो प्रस्ताव, देखिए आपसे पूछ देगा कि नेहरू जी के द्वारा जारी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसे स्वीकारा गया, ऑप्शन दे देगा फला तारीख फला तारीख फला तारीख, तो ये भी याद रखिए। तो ये 1947 में 22 जनवरी, कितने तारीख को? 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी एन राव के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा इसका प्रारूप जो है वह तैयार किया गया था। किसके द्वारा? बी एन राव, ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? तो 29 अगस्त 1947, इसमें दोनों चीज छिपा हुआ है, प्रारूप समिति का गठन किसने किया और कब किया? 29 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत आजाद होने के बाद, 15 अगस्त को भारत आजाद हो रहा है, 29 अगस्त 1947 को इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया है। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। चलिए, और इस प्रारूप समिति में कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, यह भी प्रश्न पूछता है, या तो आपसे पूछेगा कि संविधान के प्रारूप समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7ों का नाम आप एक झलक में देख लीजिए। पहला तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद होगा, कंठस्थ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा नाम एन गोपाला स्वामी अयंगर, जी हां, एन गोपाला स्वामी अयंगर, याद रखिएगा, गोपाला स्वामी अयंगर, और पहले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरे की बात कर रहे हैं, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, जी हां, एक अयंगर हैं और एक अय्यर हैं, याद रखिएगा, रिलेट करके तब याद हो जाएगा। देखिए, पहला भीमराव अंबेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्ण गोपाल, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, भीम कृष्ण गोपाल, ये सब महाभारत के पात्र हैं, गोपाल कृष्ण को ही कहा जाता है, तो तीनों को याद रखिएगा। चलिए, अगला है कन्हैया लाल मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, इन्हीं का नाम है, एक ही नाम है, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, तो कन्हैया भी कृष्ण का ही नाम है,
ना। आप जब कृष्ण को जानते होंगे, कृष्ण भगवान को, तो उनका नाम गोपाल है, कृष्ण है, कन्हैया है, तो सब उन्हीं का नाम है। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। चलिए, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह ये भी थे, पांचवे जो थे यह सैयद मोहम्मद शादुल्लाह थे, याद रखिएगा। एन माधव राव, एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। एन माधव राव जो थे वह बी एल मित्र के स्थान पर आए थे, और डीपी, हाँ मित्र के स्थान पर आए थे। डीपी खेतान उनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी बने। डीपी खेतान भी थे लेकिन ये मर गए, तो इनके बाद टीटी कृष्णामाचारी, जी हाँ टीटी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद ये बने थे। एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर बने थे। मित्र के स्थान पर माधव बने, माधव भी कृष्ण का ही नाम है, ओके ये भी आपको याद रख लेना है। और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी। चलिए, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो सबसे पहले निर्वाचन अगर उनकी बात करें तो बंगाल से हुआ था, लेकिन भारत जब स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो जो बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल बन गया, है ना, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, और जो अंबेडकर जी थे वह पाकिस्तान प्रांत में चले गए। तो ऐसे में बड़ी दुविधा हुई कि भाई एक जो ज्ञानी व्यक्ति हैं जो संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे, अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर संविधान अच्छे से नहीं बन पाएगा, ऐसा उस समय आवाज उठा। तो फिर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से इनको बंबई से नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, है ना, दूसरी बार बंबई से। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देश विभाजन हुआ 15 अगस्त को, तो उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो है वो पूर्वी बंगाल में चले जाते हैं, लेकिन फिर से पुनर्गठन होता है, और उस गठन 31 अक्टूबर 1947 को होता है, तिथि याद रखिएगा। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में कब पेश की? प्रारूप समिति जो गठन हुआ था जिसमें 7 सदस्य थे, है ना, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की। कब पेश की? 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत की, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, हालांकि वाचन से प्रश्न नहीं आता है लेकिन ध्यान दीजिएगा, 4 नवंबर से 9 नवंबर 48 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित करते समय कितने सदस्य उपस्थित थे? इस प्रश्न को ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि संविधान पर कितने लोगों ने उस दिन हस्ताक्षर किया था, तो 284 उपस्थित थे सदस्य, और सबने किया था, यह भी ध्यान दीजिएगा। किसकी अध्यक्षता में भारतीय रियासतों का एकीकरण करने हेतु रियासती विभाग स्थापित की गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासत, जो हमने अभी चर्चा किया था कि 93 जो देशी रियासत थे, तो जो देशी रियासतें थी जो अलग अलग हो चुकी थी उनको एकत्रित करने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय का गठन भी किया गया, स्थापना किया गया। संविधान के निर्माण में कुल लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, अगर 12 दिन और लग जाता तो पूरे 3 वर्ष हो जाता, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन याद रखना है आपको। चलिए, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? कुल कितने दिन बहस हुई? तो वह 114 दिन बहस हुई थी, ये भी ध्यान दीजिए। संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब 22 भाग अभी भी हैं, अनुच्छेद लिखा पढ़ी में 395 है, लेकिन ए बी को जोड़ा जाए तो 468+ हैं। चलिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? तो 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति जो है वह चुना गया, यह भी ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को,
22 जुलाई 1947 को। कैसे याद रखिएगा, देखिए जुलाई के बाद अगस्त आता है और अगस्त में झंडा फहराना था 1947 में ही, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद बने हैं, क्या बने हैं, राष्ट्रपति, ये भी ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा कब हुई, स्थापना की घोषणा, पृथक संविधान की स्थापना करेंगे इसकी घोषणा हुई है किस दिन, 26 जुलाई 1947 यानी 1947 को। तो यह 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे संविधान सभा से संबंधित, जो कि बिहार पुलिस में आपको देखने को मिलना ही है, बिल्कुल मिलेगा, कोई दोराय नहीं है। आप इस 20 मिनट में अच्छे से 30 प्रश्न कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क। तो इतना ही बस इस वीडियो में, फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।